नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलना शुरू हो गई है। बुधवार को 14 लोगों की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा गया। ये पहली बार है जब सीए के तहत नागरिकता दी गई। इन 14 लोगों को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता के सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड दिए। न्यूज एजेंसी ने बताया कि कई सैकड़ों और लोगों को ईमेल के जरिए सर्टिफिकेट भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सीए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहनों को भारत की नागरिकता मिलना शुरू हो गई है। आपको बता दें 11 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए भरत कुमार ने नागरिकता मिलने पर कहा कि इससे उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। भारत जब 13 साल के थे तब उनका परिवार भारत आया था। उनका परिवार दिल्ली के मजनू के टीला में रहता है। सीए के कानून बनने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों नागरिकता मिलना शुरू हो गया है और यह काफी आसान हो गया है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके थे। बहरहाल नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद इन लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव भी आने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि इनके पास अब स्थायी पहचान होगी। अब तक जो लोग शरणार्थियों के तौर पर रह रहे थे अब वो भारतीय नागरिक के रूप में रहेंगे। इसके साथ ही अब इन्हें वो भी सब अधिकार मिल जाएंगे जो एक भारतीय नागरिक के पास है। बात करें भारतीय नागरिकता मिलने के फायदे, तो पहला, वोट डाल सकेंगे। चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही था। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन तीन मुल्कों से आए गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। दूसरा, भारत में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों में भी एक भारतीय नागरिकता शामिल थी। भारत में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था जो भारत का नागरिक हो। ऐसे में नागरिकता मिलने पर ये सभी लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं। तीसरा, संवैधानिक पद ले सकेंगे। किसी भी प्रवासी, शरणार्थी या फिर विदेशी नागरिक को भारत में संवैधानिक पद नहीं मिल सकता था, मगर भारतीय नागरिकता मिलने के बाद ये बाध्यता भी हट जाएगी। चौथा, सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकते थे, लेकिन अब नागरिकता मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा। पांचवा, मौलिक अधिकारों का फायदा। संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी मौलिक अधिकार का फायदा मिल सकेगा। वहीं आपको बता दें संविधान के तहत भारत का नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है, लेकिन संविधान की 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भारत का नागरिक इन पूर्वोत्तर राज्यों में न तो जमीन खरीद सकता है और न ही स्थायी रूप से बस सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीद बेचने की और स्थायी रूप से बसने का अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को ही है। भारत में नागरिकता लेने और रद्द करने को लेकर 1955 में कानून आए। इस कानून में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। 2019 में आखिरी बार संशोधन हुआ था। इससे पहले 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में इसमें संशोधन किया जा चुका है। इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पांचों प्रावधान जरूरी हैं, जिनमें पहला प्रावधान 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है। इसमें एक प्रावधान ये भी है, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा प्रावधान वंश के आधार पर, यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके जन्म के वक्त माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, हालांकि विदेश में जन्मे बच्चे का साल भर के भीतर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तीसरा, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर भारत में 7 साल से रह रहा हो या नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। किसी व्यक्ति की शादी भारतीय नागरिक से हुई हो तो वो भी भारत का नागरिक के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। चौथा प्रावधान, अगर किसी नए भूभाग में भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ से रहने वाले लोगों को अपने बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए 1961 में गोवा और 1962 में पांडुचेरी को भारत में शामिल करने के बाद वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिक बन गए थे। वहीं आखिरी और पांचवा प्रावधान, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, यानी भारत में रहने वाला कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो भारत में कम से कम 11 साल से रह रहा हो। आपको बता दें 1955 में बने भारतीय नागरिकता कानून की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र है। इसके मुताबिक 3 तरीकों से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो सकती है। पहला, तो ये व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक हासिल हो जाए। दूसरा ये कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग दे। इसके अलावा सरकार को भी किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का अधिकार है, अगर वो व्यक्ति किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो या फिर उसने भारतीय संविधान का अपमान किया हो या फिर ये साबित हो कि उसने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल की है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।